हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की मेरी वीडियो है प्री वर्कआउट के ऊपर। बहुत ही अंडर एस्टिमेट टॉपिक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक में बताऊंगा प्री वर्कआउट होता क्या है, इसकी क्या नीड है हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एंड ऐसे कौन कौन से प्री वर्कआउट मील्स जो आप ले सकते हैं अपनी मसल्स ग्रोथ के लिए। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, 2-3 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्री वर्कआउट होता क्या है। प्री वर्कआउट का मतलब बिफोर वर्कआउट, मतलब वर्कआउट से पहले आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं जिससे वर्कआउट में हेल्प मिले, मतलब अपनी बॉडी को कितनी एनर्जी दे रहे हैं ताकि एक आप अच्छा लिफ्ट कर सकें, अच्छी बेंच प्रेस कर सकें, हैवी बेंच प्रेस कर सकें। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को ऐसा खाना देना है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी हो, आपकी मसल्स में एनर्जी हो। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा खाना खाएंगे जो प्रोटीन्स में हाई हो एंड कार्ब्स में हाई हो। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो हमें पता है जो ऐसा एनर्जी यूज़ होते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट फैट्स की मात्रा होनी चाहिए कम। तो आप कैसा खाना खाएंगे, आप ऐसा खाना खाएंगे जो प्रोटीन्स में हाई हो, कार्ब्स में हाई हो, बट फैट्स में हो कम, ताकि आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को एनर्जी मिले वेट लिफ्ट करने के लिए। क्योंकि आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती होगी कि आप अच्छा वेट नहीं उठा पा रहे। क्यों वो पता है, क्योंकि आपकी मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ प्री वर्कआउट होता क्या है। अब आपको बताऊँगा कौन कौन से प्री वर्कआउट मील्स आप ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए। कौन कौन से मील्स लेंगे, आप ऐसे मील्स लेंगे जो आपकी मसल्स को एनर्जी देंगे, मतलब जो होंगे प्रोटीन्स के अंदर हाई, जो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाई, बट फैट के अंदर लो, ताकि आपकी मसल्स को एनर्जी मिले वर्कआउट करने का, 1.5 घंटा वर्कआउट करने का। ठीक है, समझे। प्री वर्कआउट मील्स क्या लेंगे, जिसमें प्रोटीन्स हो हाई, कार्ब्स हो हाई, फैट कंटेंट हो लो, आपकी मसल्स को एनर्जी मिले वर्कआउट करने का, दैट इज कॉल्ड दी एक्यूरेट प्री वर्कआउट मील्स। अब इसके अंदर कौन कौन से मील्स आ जाते हैं, इसके अंदर मील्स आ जाते हैं, यू कैन टेक ब्राउन ब्रेड अलॉन्ग विथ पीनट बटर। बहुत वाइडली फॉलो है, जितने भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जितने भी अच्छे लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, दे ऑलवेज ईट ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर। देन यू कैन हैव बनानास, यू कैन हैव ओरियो शेक, यू कैन हैव ओट मील्स, यू कैन हैव राइस, यू कैन हैव ब्राउन राइस, यू कैन हैव चिकन ऑल्सो, यू कैन हैव सैलड्स ऑल्सो। सो ये तो हो गए हमारे प्री वर्कआउट मील्स जो आप खा सकते हैं। आप कुछ भी खाइए, बट मेक श्योर कि उसके अंदर कार्ब्स हो और फैट ना हो। तो दैट इज़ कॉल्ड दी जेन्युइन प्री वर्कआउट मील जो आपको लेना चाहिए। अब ये आ गया कि अब हम प्री वर्कआउट मील लेंगे कब। आपको प्री वर्कआउट मील लेना है 1 से 1.5 घंटे पहले वर्कआउट जाने से पहले। ठीक है, बेस्ट टाइम टू टेक प्री वर्कआउट मील इज बिफोर 45 मिनट्स टू 1 आवर बिफोर दी वर्कआउट, फॉर दी मैक्सिमम एफिशिएंसी, ताकि एक तो आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहे। तो ये था मेरा टॉपिक प्री वर्कआउट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्री वर्कआउट होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और कौन कौन से प्री वर्कआउट मील्स आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आगे इसी तरह मैं वीडियोज़ लेते आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।